निकाय चुनाव परिणाम आने के बाद नया महापौर नए पार्षद महानगर को मिल गए, पर नगर निगम के लोगों से उनका रूबरू होना बेहद जरूरी था। इसी को लेकर नगर निगम प्रांगण में नगर आयुक्त समेत तमाम अधिकारियों के साथ महापौर और नए पार्षदों का परिचय हुआ। सभी ने अपना परिचय देते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इसी मीटिंग में सभी पार्षद और महापौर ने नगर निगम अधिकारियों से विकास को लेकर विचार रखे। उसे भी हटाया जाए, अगर वो बदतमीजी कर रहा है तो तुरंत हटा दिया जाए, काम नहीं कर रहा तो उसे हटा दिया जाए, बस काम करे, बस धन्यवाद। और कटार शरीफ और कुइयां बाग, तो तीन सवाई लायक हो गए मेरे, और दो मेरे अंडर में वो जो है इंस्पेक्टर है, और एक वो है आपके जो है सुशील। तो मैं ये चाहती हूँ कि एक ही सफाई नायक हो, एक ही इंस्पेक्टर हो, जैसे आपने बताया कि सारे सार्वजनिक कर्मचारी भी एक ही हो, तो हमें तीन तीन साल अलग अलग बात करनी पड़ती है, और वो कहते साहब मेरा क्षेत्र नहीं है। कोई भी समस्या है दिन में, रात में, सुबह में, मान लो मुलाकात नहीं हो पाती है, तो वार्ड में पूरी वो मूवी बना के डाल सकता है ताकि सबकी नॉलेज में रहे। और मैं अभी भी मूवी बना के लेकर आया हूँ, सुबह मैंने फोन करके 6 बजे कहा तो कह रहा सफाई कर्मचारी कि मेरा काम नहीं है कूड़ा उठाना। आज हाजी बिशारत वाली गली में पक्का बाग में आप जाके देख सकते हो, पानी अभी भी भरा हुआ है। और वो लोग मेरे साथ आने के लिए कहे थे, मैंने कहा ये वाली मीटिंग नहीं है, आप सब लोग चलना, पूरा मोहल्ले चलना आपके साथ, मगर ऐसा एक काम हो जाए तो लोगों की परेशानी सबको दूर हो जाए, हो जाए तो वार्ड को प्रॉपर कर्मचारी मिल सके, क्योंकि बहुत कम कर्मचारी हैं जो कि पूरी तरीके से सफाई व्यवस्था इसीलिए खराब है। चलिए ये थोड़ा भर्ती, आप नई भर्ती कीजिए, बंद है, पानी घरंगने जा रहा है, और 3-4-8 दिन से पहले से कम से कम 10 दिन है गए, पूरी करते करते मशीन का मशीन नहीं है, वो हमें उल्लू बना रहे हैं, क्यों उल्लू बना रहे हैं ये सब बन के ने बनाई है वो मेरी परिसीमन में तो आ गई है, लेकिन नगर निगम में हस्तांतरित नहीं हुई है, तो वहाँ पर सड़कें टूटी हुई हैं, बिजली, सफाई, नाली सबका कोई इंतजाम नहीं है, तो बताइए इसके लिए कैसे होगा। इन लोगों को जल निगम वालों को बुला के कोई योजना पार्षदों के साथ बैठा के करी जाए कि भाई कौन सी सड़क ऐसी है जो आपकी टेंडर में आ गई या बनने वाली है, तो उसको जो है हम लोग रोक देते हैं, नहीं बनवाते। भैया पहले तुम अपना पाइपलाइन डाल लो, लेकिन ये ना हो कि इधर हमने सड़क बनवाई और 10 दिन के बाद उसे वो खोदना शुरू कर दे। आज सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें क्या हो रही है कि वो अब करेक्ट करने के लिए आ गए हैं, वो अगले दिन से ही मिट्टी भी नाली में जा रही है, हमारा सफाई कर्मचारी क्या करेगा साहब। सफाई कर्मचारी सुबह गया और लेबर ने जो है, जो इनकी लेबर है जल निगम वालों की, वो खुदाई कर रही है और नाली के अंदर जो है मिट्टी जा रही है और नाली भी भर गई। इस मौके पर नव निर्वाचित पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्याएं तो बता ही रहे थे, साथ ही इनको दूर करने के उपाय भी बताए। इस पर महापौर विनोद अग्रवाल ने भी विकास पर अपने सुझाव प्रकट किए। नगर आयुक्त ने भी यही माना कि जब सब लोग एक साथ होंगे तभी आगे बढ़ेंगे, तो पूरा महानगर एक मिसाल भी बनेगा। नव वर्ष 2018 आने वाला है, 2017 को विदाई। सारे हमारे जितने भी नगर निगम में नव निर्वाचित पार्षद आए हैं उनका सबका स्वागत अभिनंदन। हम सब मिलकर महानगर को एक नया रूप देंगे, ऐसी हमारी भावना है, यही हमारी इच्छा है, यही आह्वान किया है। तो आओ हम सब मिलकर नगर को साफ सुंदर स्वच्छ बनाएं, नगर का विकास करें। जनता से भी मेरी अपेक्षा है कि अपने कर्तव्यों का पालन करें, नगर को गंदा ना करें, अतिक्रमण ना करें, ताकि हमें कोई कार्रवाई ना करनी पड़े। इससे मतलब है उसको किस तरह से मतलब है पूछो ना उनसे जाके, अरे उनसे पूछो ना उन्होंने पैसे किसको दे के कॉलोनी खरीदी है, उनसे पूछो ना। तो जब नगर निगम में आ गई है, कहाँ आ गई, जैसे परिसर में वोटर आए, वो महानगर की जनता है और महानगर की जनता ये जानना चाहती है कि अब क्या होगा उनका। अब क्या होगा, वो पूरे जिनसे पैसे देके हैं, जिनसे ठगे गए हैं, उनको जाके FIR कराएं उनके विरुद्ध। तो नगर निगम नहीं कराएगा काम उसमें, क्यों कराएगा, क्यों उनका उनका क्यों उन लोगों का कहना है कि हमने वोट नगर निगम में भी, तो वोट अपनी जगह है, पैसे नगर निगम को अभी कुछ वो दे रहे हैं। अरे भाई उन्होंने MDA को विकास शुल्क दिया है, MDA हैंडओवर करेगा, नियम कानून से चलोगे, नियम के बाहर चलोगे,
कानून है कोई चीज नहीं है। अब जैसे सफाई कानून कोई चीज है नहीं है। अब सफाई नायक का मामला आया नगर निगम बदल रहे सारे के सारे, कोई शक नहीं। और सफाई व्यवस्था में कुछ सुधार आएगा? पहले बहुत सुधार आएगा और आ रहा है, देखिए नगर बदल रहा है, स्वच्छ हो रहा है। अब देखिए इंतजार कीजिए, समय आने दीजिए। या फिर ऐसे पहले की तरह बटरी को नहीं होगा। सवाल उठाए हैं पार्षदों ने, बहुत सारे सवाल उठाए हैं, उन पर क्या कहेंगे? पार्षदों के जवाब दे दिए, हमें मालूम है ना उनके सवाल क्या है। नगर आयुक्त को सुनवाने थे। अब महानगर की जनता को सहूलियत मिलने वाली है? बिल्कुल निश्चित, उम्मीद रखे सबका साथ सबका विकास। किस तरह की सहूलत मिलेगी? सब मिलेगी, जो भी नियम अनुसार कानून है, कानून का राज कायम होगा।